पहले तो पानी पूरी बेचता था रात में। क्या क्या बोलना है उसमें? एक दिन रात को उन्होंने ऐसे निकाल दिया। मैं बोला मुझे सुबह जाने दो, तो बोलते नहीं 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 तू आज ही निकल, आज ही निकल। तो वहाँ से मैं निकल गया, तो मैं डायरेक्ट आज़ाद मैदान गया। उस रात आज़ाद मैदान पे ही सोया, लेकिन मैं घर पे कुछ नहीं बताता था, नहीं तो वो बोलते घर वापस आ जाओ। और मुझे जाना नहीं था, मुझे यहाँ पे खेलना था। मेरे पापा खेलते थे, तो वो भी चाहते थे मैं अच्छा खेलूं। और मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझे बोलते थे कि तुम मुंबई में जाओ, वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे दिमाग में पहले स्टार्टिंग से बैठ गया कि मुझे मुंबई से खेलना है। इस हिसाब से था कि मैं वहाँ थोड़ा काम भी कर लूंगा और रह भी लूंगा। तो फिर मैं वहाँ पे सुबह जल्दी उठता था और थोड़ा जो मेरा काम था मैं काम करके वापस मैच खेलने चले जाता था। तो ऐसे कुछ दिन करता था, तो वो बोले कि हमको मतलब और काम करना पड़ेगा। वो मैच खेला और उसने अच्छा किया, तो मुझे टेंट में रहने मिल गया। वहां पे ऐसा था कि ना लाइट थी, ना वॉशरूम था, ना पानी बराबर आता था। तो बारिश में तो पानी पूरा टेंट के अंदर आता था, तो रहने में बहुत प्रॉब्लम थी। ऊपर से खाना भी नहीं मिल पाता था वहाँ पे। पहले तो पानी पूरी बेचता था रात में, और उसके बाद जब भी जो बॉल घूम जाता था वो ढूंढ के लाता था, तो मुझे पैसा मिलता था। या अंपायरिंग स्कोरिंग कर लिया तो पैसा मिलता था, इससे मैं अपना मैनेज कर लेता था। क्रिकेट पे तो बहुत ध्यान दिया ही, उससे ज्यादा मेरे खाने पीने और मुझे मेंटली इतना प्रिपेयर किया है कि जो भी चीज मैं नेगेटिव सोचता था उसको पॉजिटिव में बदल दिया, इसलिए मेरा गेम काफी इंप्रूव हुआ। मेरा ड्रीम है कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं।